Case block. Hatch! K! Neck! K! Set! K! Sit! K! Grip! K! Grip! K! Sit! K! Hatch! K! Hatch! K! Neck! K! Sun! K! Sit! K! Grip! K! Grip! K! Sit! K! Hatch! K! Good! K! Check! K! MJ? Yes, sir! Body position? K! Right punch. Q. Hitch. K. Neck. K. Set. K. Sit. K. Grip. K. Grip. K. Hitch. K. Neck. K. Set. K. Sit. K. Grip. K. Grip. K. Sit. K. Hitch. K. Hitch. K. Neck. नमस्कार, आज रियासी के हिंदू आश्रम में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है और ये फिटनेस कराटे क्लब रियासी द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और इस समय जो अभ्यर्थी हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए, और आपको बता दें कि जो मुख्य अतिथि थे वो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुभाष चंद्र जी थे। कुछ देर पहले ही वो यहाँ से जा चुके हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने हुनर यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए। तो रियासी के हिंदू आश्रम में ये जो बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट है वो चल रहा है और रियासी अपडेट्स में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। Go. Drop.
निकिता वर्मा निहारिका ठाकुर Thank you.
अनिल कल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, ये स्टेट चीफ वाडो काई कराटे एसोसिएशन के जो है चीफ हैं, और इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम था आज? कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट यहाँ पे लिया गया, क्या क्या इस दौरान हुआ है और कौन यहाँ पे मेहमान के रूप में पहुँचे थे? मैं अनिल कल्होत्रा, स्टेट चीफ वाडो काई कराटे। आज हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी में बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट करवाया है। इसमें 35 के करीब बच्चों ने बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट दिया है। इसमें ये होता है कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है, जैसे कोई कोच क्लासेस लगा रहा है तो उसका हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की है। इसमें बेल्ट टेस्ट होता है, जैसे आज बच्चों को येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल बेल्ट वगैरह दी गई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ महेश सिंह जी हैं और दिलीप सिंह जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। और ये बहुत ही बढ़िया आए, हमने यहाँ पर देखा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया बच्चों को ट्रेनिंग दी हुई है। और मेरी सभी रियासी के पेरेंट्स से गुजारिश है कि प्लीज़ वो अपने बच्चों को इनके पास भेजें और कराटे की ट्रेनिंग दें। आगे भी इस तरह के क्या जो टेस्ट हैं या फिर कंपटीशन हैं आगे करवाए जाएंगे? जी सर, अभी तो जा रहा है, लेकिन इससे कंपटीशन से और ज़्यादा करने का प्रोग्राम? जी सर, अभी नवंबर में हमारी स्टेट कराटे चैंपियनशिप है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। तो हमने देखा कि हर साल रियासी के बच्चे जैसे नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर ही आते हैं। सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे महेश सिंह जी, और हमारे जो दिलीप सिंह जी है बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं। तो ओलंपिक्स में भी क्या कराटे या क्या अभी गेम या फिर आप अभी हो गया है सर? हाँ हाँ, हो गया सर। क्या उम्मीद है जो आपका इंस्टीट्यूशन है यहाँ भी आप सिखाते हैं या रियासी में सिखाया जा रहा है, यहाँ से बच्चे निकल पाएंगे? जी सर, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर आ रहा हूँ, 3 साल हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए। हम देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखते हैं यहाँ पर। और हमारे जो दिलीप सिंह जी हैं और महेश सिंह जी हैं, जो खुद एक नेशनल प्लेयर है, जो महेश सिंह जी है वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन बच्चों को सिखाया हुआ है। और मेरी पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि वो अपने जैसे बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें और अपना आपकी जो रक्षा है वो खुद कर सके। और हमारे जो भाई जो नशे की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ वो ये सब छोड़ कर खेलों के प्रति ध्यान दें, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रति ध्यान दें, डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल लाएँ, स्टेट के लिए मेडल लाएँ और हमारे देश के लिए मेडल लाएँ। जय हिंद, जय भारत। जी, अभी हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जी। तो क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सहयोग रहता है जब भी आप उनके पास जाते हैं या कोई मांग करते हैं या फिर? नहीं सर, अभी तक हमारी किसी ने हेल्प नहीं की सर, किसी ने हेल्प नहीं की अपने तरफ। हाँ, अपनी तरफ कोई भी, जरा स्टूडेंट करते हैं, कोच वगैरह करते हैं, जैसे भी होता अपनी पॉकेट से होता सर। कोई अपील करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से या जो भी प्रशासन या स्पोर्ट्स के अधिकारी? जी, मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं हूँ सर, हमने कम से कम आज तक मैं कोई 17 लड़के ब्लैक बेल्ट कर चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट सांबा में, जम्मू में, उधमपुर में हमारी क्लासेस वगैरह चल रही है। तो अभी मैंने कम से कम जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एसएसपी मैडम नीवा जैन की तरफ से, जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से हमने जहाँ पर हर डिग्री कॉलेज में गर्ल्स को ट्रेनिंग दी थी, तो हम चाहते हैं कि हमने काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप भी लगाए हैं सर हमने। तो हम चाहते हैं कि हमें बस मैट चाहिए जो बहुत ही महंगे हैं, हमें मैट के बिना हमारा काम अधूरा है। आज हम यहाँ भी देख रहे हैं तो जी, गद्दे पर करवाया जा रहा था, तो आमतौर पे गद्दे पर तो नहीं होता है ये, या फिर गद्दे पर? हाँ सर, पहले गद्दे पर ही होता था, अभी मैट आ गया सर। नहीं, अभी मैट पे भी होता है, अभी गद्दे तो हमने खुद लगाए हुए हैं यहाँ पर बच्चों की सेल्फ डिफेंस के लिए कि बच्चों को लगे ना। लेकिन इस पर वो सही से जो हम देखे नहीं, सही से नहीं, सही से नहीं होता सर। जी, स्लिप हो रहे थे गद्दे। जी जी, ये तमाम दिक्कतें आपको पेश आई। जी जी, चलिए दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि आप लगातार रियासी के बच्चों को ट्रेन करते हैं, और इस प्रोग्राम के आगे भी इस तरह के प्रोग्राम आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और क्या रियासी में इंटरेस्ट है बच्चों में या जो परिवार वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को आपके पास लेकर आ रहे हैं लगातार, या कम लोग की पहुँच पाते हैं आपके पास? हमें लगभग 8-10 साल हो गए रियासी में कराते हुए, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन बच्चों को भी किया, आप पेरेंट्स को भी करना पड़ा, थोड़ा समझाना पड़ा इसके बारे। हाँ, तो मोटिवेट करना पड़ा उनको, तो पहले किसी को नॉलेज नहीं था कि कराटे क्या चीज़ होती है, लेकिन जब मोटिवेट करने के बाद पेरेंट्स को भी समझ आया
कि खेलों की तरफ जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से गोल्ड मेडल जो भी आए या सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल आए उसके बाद कितना नाम होता है खिलाड़ी का, और जहां से वो आता है उस इलाके का भी कितना नाम होता है, कोचेज का भी नाम होता है जी। लेकिन हमें परेशानी आती है कि हमें ओपन पार्क में सिखाना पड़ता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि हम प्राइवेट हैं, हमें हमारे पास इतना सोर्स नहीं होता और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है। रही बात गद्दे की, कोई हेल्प नहीं आती, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अगर हेल्प की जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे अनिल जी ने कहा कि लड़कियां भी अब आ रही हैं, तो रियासी में भी क्या पेरेंट्स अपनी जो बच्चियां हैं उन्हें भी भेज रहे हैं या फिर ज़्यादा संख्या में लड़के ही होते हैं? आजकल लड़कियों को ज़्यादा भेज रहे हैं और लड़के भी आते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं आजकल, और लेना भी चाहिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना चाहिए और लड़कियों को आत्मरक्षक बनाना वो हर पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, और हर पेरेंट्स को अपनी छोटी छोटी बच्चियों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। तो ये बदलाव आप देख रहे हैं कि बच्चियाँ ज़्यादा आ रही हैं? अब बदलाव लग रहा है जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट है वो इस समय रियासी के हिंदू आश्रम में चल रहा है, और कुछ परेशानियाँ भी जो कोचिस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हें पेश आती हैं। उन्होंने वो बताया कि सरकार को, प्रशासन को उनकी मदद भी करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं जिस तरह से ये गद्दे पर ये पूरा जो टेस्ट है वो लिया जा रहा था, लेकिन इसके लिए एक मैट जो है आजकल आता है, और अगर मैट पर ये टेस्ट हो या फिर ये प्रैक्टिकल हो तो बेहतर रहेगा, और अच्छे से जो अपना हुनर है ये खिलाड़ी वो अपना हुनर दिखा पाएंगे। सर और कुछ भी अब होगा या ये कार्यक्रम यहीं पे खत्म होगा? जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये वो पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो खिलाड़ी यहाँ पे हैं, उनके परिवार वाले भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अनिल जी अब कुछ करतब दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।